क्या हुआ अगर उतने रिसोर्स और उतने वसाइल नहीं है? अरे मकसद बताओ, करना क्या चाहते हो? ख्वाब तो बताओ अपना। मुश्किल रस्तों को अपनाना चाहते हो? मैं उनमें से नहीं हूं जो बोलूंगा रास्ता बहुत आसान है और करो और हो जाएगा। नहीं, बड़े गम है, बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी तकलीफें। आसान रास्ता कौन सा है इस दुनिया के अंदर? वो तो किसी मंजिल की तरफ जाता ही नहीं है, बंदा घूमते ही रहता है, कभी इसके दर कभी उसके दर। क्या हुआ अगर लोग आज इज्जत नहीं देते? क्या हुआ अगर उतने रिसोर्स और उतने वसाइल नहीं हैं? अरे मकसद बताओ, करना क्या चाहते हो? ख्वाब तो बताओ अपना। वो कहते हैं कोई बड़ा ख्वाब देख लूं तो लोग ही कह देते हैं कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। तो तुम जवाब देना उनको, ये उस जिंदगी से तो बेहतर है जहां पे दुकान भी पकौड़ों की और बातें भी पकौड़ों की। यानी छोटी जिंदगी और छोटी सोच और छोटे ख्वाब। इंसान बड़ा सोचता है। आज यहाँ पे बैठे हुए हर शख्स से मेरा सवाल है, आसान जिंदगी है तो गुजारने आए हो, एग्जाम पास कर लो और निकल जाओगे, कोई मसले की बात नहीं है। कॉलेज पास हो जाएगा, स्कूल पास हो जाएगा, किसी आम सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा और डिग्री करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी गुजर ही जाएगी गिरते गिरते, मसला नहीं है। लेकिन अगर दूसरी जिंदगी कर लेना चाहते हो, मुश्किल रस्तों को अपनाना चाहते हो, मैं उनमें से नहीं हूं जो बोलूंगा रास्ता बहुत आसान है और करो और हो जाएगा। नहीं, बड़े गम है, बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी तकलीफें हैं। लेकिन इंसान को तकलीफों पर फोकस नहीं करना चाहिए। अगर उस 4 घंटे के रास्ते पे थकन के मारे तंग आ जाएगा और परेशान हो जाएगा तो उसकी मंजिल इतनी हसीन होनी चाहिए कि पहुंचकर हर रास्ते की थकन को मिटा दे। वो मंजिल इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि रास्ते की हर दुश्वारी वो भुला दे। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ना मसाइल पे फोकस करे, ना परेशानियों से तंग आए, ना मुश्किलात से भागे, बल्कि जिंदगी एक फाते कॉन्करर की तरह जिए कि मैं लूंगा, मैं इस्तकबाल करूंगा उन बलाओं का जो मेरे लिए बैठी हैं, जो मेरा इंतजार करती हैं, मैं इस्तकबाल करूंगा उन बलाओं का, लेकिन एक शर्त पे। और वो शर्त ये होनी चाहिए, मुझे बताओ मेरी मंजिल क्या है, मुझे मिलेगा क्या जिंदगी में। जब कोई भी आगे तुम्हें बोले अगर ये रास्ता चुनोगे ये हो जाएगा, उसको बोलो मैं मसाइल से डरने वाला नहीं हूं, रास्ते की तंगियों और परेशानियों से भागने वाला नहीं हूं। अरे बुजदिल आदमी, मुझे ये बता कि अगर रास्ता चुनूंगा मिलेगा क्या, वो एक मंजिल तो बता जो मेरी आंखों की ठंडक बनेगी। आसान रास्ता कौन सा है इस दुनिया के अंदर? वो तो किसी मंजिल की तरफ जाता ही नहीं है, बंदा घूमते ही रहता है, कभी इसके दर कभी उसके दर। ये जिंदगी ऐसे ही गुजरते रहती है, उसमें तो